हेलो गाइस, तो आज की वीडियो कैसी होने वाली है, जैसे कि अच्छा ही इंटरेस्ट आने वाला। कुछ बंदे ये कहते हैं जैसे कि मेरी हाइट बहुत ज्यादा है या फिर क्या है। आज एक ऐसी टेक्नोलॉजी मतलब कि क्वालिटी लेके आया हूँ जो कि आपके लिए जानकारी लेके आया हूँ, जैसे कि आपकी अगली बार से हाइट नहीं फूकेगी, जैसे कि पत्ता फूक जाता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो वो मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो कैसे लेके आया हूँ, ऐसा करता हूँ जितने बार मेरे डीजे वाले भाई हैं सभी खुश होंगे, अच्छे होंगे और बहुत ही ज्यादा मुझे सपोर्ट किया है। इतना सपोर्ट किया है जितने बार डीजे वाले हैं मेरे कि मुझे मानते हैं या फिर जानते हैं क्या है कैसे है, बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। आज की जानकारी है कैसे लेके आया था, जैसे कि पहले बंदे बजाते थे जैसे कि 1000 वाट से या फिर 2000 वाट से 3000 वाट से। आज का क्रेज क्या आ गया है कि कभी भी कोई भी बंदा हो तो उसमें क्या होता है कि सबसे हैवी से हैवी मशीन लगा रहा है तो आपकी जो हाइस है वो नहीं रुक पा रही है। नहीं रुकने का मतलब होता है कि जैसे कि आप पावर सेट लगाते हो तो आप 4 पेयर बजाते हो तो उसमें क्वालिटी या फिर धमकपन कर रही आती है तो उसमें क्या होता है जैसे कि आपका 450 का पत्ता बंद हो जाता है। आज की क्वालिटी वो होगी जैसे कि ये मैंने 450 का अच्छी क्वालिटी का ले रखा है, थोड़ा जूम करके दिखा दें। ये मेरा एक 450 का हाइस का मेटल है जो कि अच्छी क्वालिटी का इम्पोर्टेंट है। तो आपके लिए बता दूं जैसे कि इसे साइड में रख देता हूं, इसके साथ एक सर्किट और इसका मेटल भी आएगा अलग से। तो आप जिस बॉक्स में डालते हो अगर आपके पास 250 वाट या फिर 500 वाट सेट हो, गौर से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपकी बात। आपकी ना फूकने की वजह से आपके लिए इस वीडियो के लिए लेके आया था जो कि मैंने अपने ऑलरेडी मेरा भी काम डीजे का है, अच्छी क्वालिटी का है, जो कि आप भी अच्छी क्वालिटी का करना चाहते हो। जब हम डीजे बजाते हैं तो जब हाइस बंद होती है तो उसमें ज्यादा ही क्रेज मतलब अच्छी क्वालिटी नहीं आती है, बहुत ही ज्यादा खराब आती है। आज की वीडियो इसलिए लेके आया था जैसे कि बार बार जैसे कि पत्ता फूकता है या फिर हाइस फूकती है तो वो ना फूकने की वजह से मैं आपके लिए बताऊंगा तरीका चलाना कैसे है आपके लिए। आप कभी भी बड़े सेट पर 5000 वाट हो, 6000 वाट हो, 4000 वाट हो, 3000 वाट तक हाइस के लिए फूक देता है सेट। आपके लिए कैसी जानकारी लेके आया था जो कि आपके लिए सुनने के बाद में आपके दिमाग पे भी आएगी, कनेक्शन कैसे करने हैं आपके लिए। जैसे कि आपने 4 पेयर बजा रहे हो, आप चारों पेयरों के तार जो हाइस के हैं वो तुम्हारे लिए अलग निकालने हैं। क्या करना है, अलग निकालने। अलग निकालने के बाद में क्या होता है कि जो आप स्पीकर के चारों डब्बे के तार है उसे अलग निकाल लो, वो डालो आप 4000 वाट हो, 5000 वाट हो, 6000 वाट हो, आपका स्पीकर फूक सकता है, हाइस आपकी चालू रहेगी। वो क्यों चालू रहेगी, क्योंकि आपके लिए 250 वाट या फिर 150 वाट या फिर 500 वाट या फिर 1000 वाट, 1000 वाट से आपके लिए अलग से कनेक्शन करना है। आपके लिए जो बॉक्स है उसके अलग से तार हाइस के लगाने के बाद में प्लेट होके वो आपके लिए अलग मशीन पर दे देना है। तो मेरी बात के लिए थोड़ा गौर से सुनना, जैसे कि जब अलग से दे दोगे तो उसका जो पंच है, धमक है अच्छी क्वालिटी की, जैसे कि आपकी मशीन है तो वो आपके लिए प्रेशर देती है तो वो या तो आपकी प्लेट फूट जाती है या फिर आपका पत्ता चला जाता है या फिर कोई भी ना कोई डिफेक्ट आई जाता है। क्योंकि मैं भी काम करता हूँ डीजे का, आप भी काम कर रहे हो, एक बार आजमा के देख लो। मैं जो कह रहा हूँ आपके लिए 250 वाट या फिर 300 वाट कोई भी छोटा साइड ले लो, आप उससे हाइस बजाओ अलग से, या फिर आपका लाइनर है उससे भी अलग से ही बजाओ, तब देखो अच्छी क्वालिटी पंच कैसी आती है। आपके लिए अलग से ही उसके लिए आपका जो ऑडियो वो भी देना है, अलग से तार लगाना, जो भी है सारा कुछ तुम्हें अलग कर देना है। आपकी 4000 वाट 5000 वाट मशीन से नहीं दे सकते, मतलब नहीं दे सकते हो कनेक्शन। ओनली आपके लिए 8 स्पीकर बजाने या फिर 4 बजाने वो आपका तरीका है कैसे बजाओगे। लेकिन आशा करता हूँ कि अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो भैया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जो मेरे डीजे वाले जितने भर भाई हैं, भाई बहुत ही ज़्यादा मतलब कि मुझे सपोर्ट किया है, ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो देखते हैं, अच्छा लगा मुझे, बहुत ही ज्यादा पसंद आया। तो आशा करता हूँ तुम भी खुश रहो, मैं भी खुश रहूँ, मैं भाई आपके लिए मेहनत करता हूँ तो थोड़ा मुझे भी सपोर्ट करो, मैं आपके लिए सपोर्ट करता हूँ। क्योंकि जो पत्ता फूकने की शिकायत आती है, जहाँ कहीं भी आप बारात चढ़ा रहे हो, फिर डीजे में शादी में विवाह में कोई भी शादी में डीजे बजाते हो तो उसमें हाइस बंद होने का प्रॉब्लम होता है कि यार क्या बजा रहा था, मुझे पसंद नहीं आई क्वालिटी। तो हाइस चलती रहेगी आपकी। तो चलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, गुड लक भैया।